नमस्कार, योजना की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम फ्री एक मिठाई लेकर आए हैं, घेवर, जो सावन का सबसे इम्पोर्टेंट मिठाई होती है। तो चलिए हम घेवर बनाते हैं। अब हम अपने घेवर के लिए एक बैटर बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ये थोड़ा गाढ़ा सा देसी घी ले लिया है, तो इसको हम करीब 8 चम्मच भरकर लेंगे। ये मैंने 8 चम्मच नाप के ले लिया है और इसको इसमें मैं 7-8 बर्फ के क्यूब्स डाल रही हूँ और इसको हम व्हिस्क करेंगे। देखिए, हमारा घी बिल्कुल जम गया है और थोड़ा चिकना हो गया है। अब इसमें हम दूध डाल के चलाएंगे। 1 कप दूध लिया है मैं, इसमें आधा आधा करके डालूंगी। ये मैंने अभी आधा डाला है और इसको फिर से व्हिस्क करेंगे हम। अब ये बाकी बचा हुआ दूध मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको फिर से व्हिस्क करूंगी। देखिए, ये बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया है। अब इसमें हम मैदा डालेंगे। ये मैंने 2 कप मैदा ली है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक चमचा करके डालूंगी और फिर हम इसको चलाएंगे। थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल रही हूँ इसमें। इसमें मैं और मैदा डाल रही हूँ और साथ में चिल्ड वाटर भी थोड़ा सा डालूंगी। देखिए, इसमें मैंने और बाकी मैदा डाल के चलाई थी। देखिए कितना चिकना हो गया है ये बिल्कुल। अब इसमें थोड़ा पानी मैं फिर डाल रही हूँ। डालना हमें चिल्ड वाटर ही है, ये ध्यान रखिएगा। और ये लास्ट की बाकी बची मैदा डाल दे रही हूँ और अब हम फिर व्हिस्क करेंगे। शुगर के लिए जो हमने ये मिक्सचर, ये बैटर तैयार किया है, इसको हम बिल्कुल ठंडे पानी में रखेंगे। तो ये देखिए, मैंने थोड़े बर्फ़ के क्यूब्स डाल के इसमें चिल्ड वाटर डाल लिया है और इसके अंदर मैं ये बोल रख रही हूँ और उसमें मैं ये घोल डाल रही हूँ और इसे अभी हम और पतला करेंगे। देखिए, अभी काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, मैं इसमें अभी पानी और डालूंगी। ये हमें बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी का, बिल्कुल फ्लोइंग वाटर की तरह से चाहिए। देखिए, अब हम पहले चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने ये 2 कप चीनी एक पैन में ले ली है और इसमें 2 कप ही मैं पानी डालने जा रही हूँ। इसकी हम एक तार की चाशनी बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ये चाशनी हमारी अच्छी तरह पक गई है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे एक तार बनता है। ये देखिए, एक तार बन रहा है ना, बस हमें इतना ही रखना है ये चाशनी को। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें मैंने ये 3 इलायची तोड़ के डाल दी हैं। बस घेवर हम 2 तरह से बनाते हैं, एक तो ऊपर खोए वाला और एक बिना खोए वाला। तो मैं भी दोनों तरह का बना के दिखाऊंगी आपको। तो खोए वाला घेवर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा खोया पकाना पड़ेगा। तो ये 1.5 किलो दूध मैंने लेकर उसको थोड़ा सा खोया बनाने पहले से रख दिया है, जिससे कि आपका टाइम थोड़ा बचे हमारा और वीडियो लंबा ना हो। तो ये धीरे धीरे पक रहा है और इसे हम गाढ़ा कर। तो हमारा कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसमें मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ, ये 1/2 कप और बाकी 1/2 कप ये, और इसे अच्छी तरह से चीनी मिक्स होने तक मिलाएंगे और अभी थोड़ा और गाढ़ा करेंगे इसे। ये मैंने एक भगोने में देसी घी चढ़ा दिया है। आप ऑयल भी ले सकते हैं, पर ये मीठी चीज़ें देसी घी में अच्छी लगती हैं। तो इसको तेज़ गर्म कर लिया है, अब इसमें हम ये बैटर डालेंगे। देखिए, थोड़ा सिकने लगा है, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके फिर डाल रही हूँ। इसी तरह से मैं इसको 12-15 बार करीब डालूंगी और हमें ठंडे पानी में लेने का कारण यह है कि ये बिल्कुल ठंडा हो, चिल्ड हो और घी एकदम गर्म हो, तो हमारी जाली बहुत बढ़िया आती है। ये देखिए, हमारा सिक गया है, बीच में छेद आ गया है और इससे मैं इसको ऐसे निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा घी निकलने देंगे, इसको मैं अब जाली पे रख दूंगी। हमने जो चाशनी बनाई थी वो हम इस पर पोर कर देंगे। देखिए, इसमें मैंने चाशनी डाल के इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब जाली पे मैं दूसरा निकालने जा रही हूँ। मैंने दूसरा बना लिया है, अब इसका घी थोड़ा निचुड़ जाए तो मैं जाली पे रखूंगी। मैंने तीसरा घेवर बना लिया है। आपके इस मिक्सचर से करीब 8 घेवर बन जाएंगे। अब मैं पहले इस पे चाशनी डाल देती हूँ, फिर जो हमने खोया बनाया था वो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। देखिए, हमने जो दूध गाढ़ा करने रखा था वो हमारा खोया बनके तैयार है। अब इस खोए को मैं इसी घेवर के ऊपर डालने जा रही हूँ। अब आप इसमें 1/2 खोए वाला, 1/2 बिना खोए का इस तरह से रख सकते हैं।
सारे घेवर बना लिए हैं। ये करीब हमारे 8 घेवर बन के तैयार हुए हैं। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इन्हें बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।